नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, हम आ चुके हैं वासुकीनाथ मंदिर, क्योंकि कहते हैं कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर के दर्शन तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप वासुकीनाथ मंदिर के दर्शन नहीं कर लेते हैं। तो हम लोग बैद्यनाथ मंदिर से दर्शन करके सीधा हम लोग वासुकीनाथ मंदिर चले आए हैं, और यह इसका प्रवेश द्वार, और यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी संख्या में है। तो चलिए आपको वासुकीनाथ मंदिर के दर्शन कराते हैं। यह है इसका प्रवेश द्वार, जो कि पूरी तरह से गोल्डन कलर का है, और बहुत ही खूबसूरत ये द्वार भी बनाया गया है इसे। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं दोस्तों, ये शिव मंदिर है, और उसके एक साइड में माता पार्वती जी का मंदिर है। और कहते हैं कि ये जो मंदिर है, मंदिर के दर्शन करने से पहले जो श्रद्धालु आते हैं, जब मंदिर का फाटक खुलता है, तो कहते हैं कि माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ दोनों लोग आपस में मिलते हैं। तो काफ़ी अद्भुत मंदिर है, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि जोत जला रहे हैं। यही है मंदिर, ये शिव जी का मंदिर है, और उसके एक साइड में है माता पार्वती जी का मंदिर। ये ऊपर दोनों के बीच में लाल धागा भी बांधा हुआ है। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर, देखते हैं कि कैमरा ले जाने के अलाउड है कि नहीं। अगर होगा तो दोस्तों आपको अंदर भी चल के वीडियो दिखाएंगे। यहाँ पर माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ मंदिर के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, देख सकते हैं आप। इस मंदिर की बनावट शैली भी कुछ बैद्यनाथ मंदिर की तरह ही मिल रहा है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही प्राचीन ये भी मंदिर है। जो लोग बाबा बैद्यनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं, वो लोग वासुकीनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। अगर वो लोग नहीं करेंगे तो ऐसा मान्यता है कि तब तक आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है जब तक आप वासुकीनाथ मंदिर के दर्शन नहीं कर लेते। तो इसीलिए हम लोग भी दोस्तों सीधा यहाँ चले आए हैं, और यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी संख्या में है, देख सकते हैं आप। और इसी के अंदर वासुकीनाथ मंदिर है, तो लग नहीं रहा है कि कैमरा अंदर ले जाने के लाउड है दोस्तों। आरती लेके सर, आरती लेके बाएं से बंद कीजिए, मोबाइल मेरे बंद कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बहुत भीड़ है यार, बहुत ज्यादा भीड़ है। देखा दोस्तों आप लोगों ने, मंदिर के गर्भगृह में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और हम मंदिर के बाहर चल रहे हैं, और आपको पार्वती जी मंदिर के दर्शन कराते हैं। अरे वाह, और ठीक मेरे सामने दोस्तों आप जो मंदिर देख रहे हैं, यही है पार्वती जी का मंदिर। तो आइए इस मंदिर के भी दर्शन आपको कराते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और बहुत ही संभल के जाना पड़ेगा। जय चलो अच्छा किनारे हो जाओ। सिंगल लाइन लगो, एक लाइन लगो, आराम रहेगा। जा एक लाइन सिंगल हो जा, एक के पीछे एक ना।
जय माँ पार्वती देवी। और यही है माँ पार्वती जी का मंदिर दोस्तों। चढ़ाओ दादा दक्षिणा उक्षिणा चढ़ाओ, सुनना बीच बीच में हमको भी देना पैसा आगे हुए हैं। चढ़ा दीजिए बाबा भी दीजिए अंदर लेते दिए चलिए आगे बढ़िए भाई देखो चरण का पूजा कीजिए अदर में चले जाओ माता जी इधर आ जाओ सामने आ जाओ दस बीस चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए ले जाओ हां देख उठकर उठकर जिसको लेना है दस बीस का ले जाओ चलिए फटाफट कीजिएगा। बोलिए माता पार्वती जी की आइए सर इधर आइए हम बाहर चलो भैया जा बहुत ज्यादा भीड़ है चलिए आगे बढ़िए यहाँ से बाहर निकलते हैं आइए सर इधर हम चलिए आगे बढ़िए चलो चलो उधर चलो उस साइड से जाइए उस साइड से अरे यार वहाँ साइड हाँ एक ही द्वार था दोस्तों और एक ही द्वार से सभी लोग आ जा रहे थे इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं जो कि सब प्राचीन मंदिर है और हजारों साल पुराना ये मंदिर है। ये मंदिर देखकर कुछ बैद्यनाथ मंदिर याद आ गया क्योंकि बैद्यनाथ मंदिर की तरह ही ये भी कुछ लग रहा है। और ये पूरा मंदिर प्रांगण के चारों तरफ आपको बहुत ही प्राचीन प्राचीन मंदिर मिलेंगे। ये भी एक हवन कुंड है। और ये जो आप टेंपल देख रहे हैं दोस्तों ये माँ काली का टेंपल है। आगे आइए आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं माँ कमला माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है। तो मंदिर के चारों तरफ दोस्तों बहुत ही प्राचीन प्राचीन मंदिर है। आपको एक ही जगह पर सभी देवी देवताओं के आसानी से दर्शन हो जाएंगे। आइए दोस्तों आपको माँ काली जी भी मंदिर के भी दर्शन करा देते हैं। माँ काली जी का मंदिर छूट गया था और माता पार्वती जी मंदिर के ठीक बगल में ही माँ काली जी का भी मंदिर है। और यही है माँ काली जी का मंदिर। जय माँ काली। तो वासुकी देव जी का मंदिर जो है यहाँ पर आपको माता काली जी के भी दर्शन हो जाएंगे जो कि यह भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो चलिए अब बाहर चलते हैं। तो आप लोग भी दोस्तों जब कभी भी बैजनाथ मंदिर के दर्शन करने आइए तो आप लोग वासुकीनाथ मंदिर के भी दर्शन जरूर करिएगा क्योंकि वह जो बैद्यनाथ का मंदिर है वहाँ की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप वासुकीनाथ मंदिर के दर्शन नहीं कर लेते। तो यही है मंदिर। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल महादेव सफर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय वासुकीनाथ।